देशभर में लोग आस्था के महापर्व छठ पूजा की धूम दिखाई दी, जहां देशभर में बड़े ही धूमधाम से छठ पूजा मनाया गया। वहीं दिल्ली में भी कई जगह खूबसूरत छठ घाट बनाए गए थे, जहां पर छठ व्रतियों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं अब छठ की महिमा विदेशों तक पहुंचने लगी है। दिल्ली के मेहरौली के आमबाग में स्थित एक छठ घाट पर कुछ विदेशी सैलानी छठ पूजा देखने के लिए पहुंचे। जहां छठ घाट पर पहुंचे विदेशी सैलानियों को छठ आयोजकों ने सम्मानित किया, उनको चंदन लगाया और माला पहनाई। इस दौरान विदेशी सैलानी काफी खुश नजर आए। वहीं आयोजकों का कहना है कि हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की है, इसीलिए हमारे छठ घाट पर आए छठ पूजा देखने के लिए विदेशी सैलानियों का स्वागत किया गया, ताकि वह जब अपने देश जाएं तो हमारी संस्कृति को साथ ले जाएं। हमारे कल्चर को प्रोत्साहन करने का बहुत ही अच्छा अनुभव है और वो आ करके यहाँ पे आत्मुक्त हो गए हैं। उनको ये ऐसा कभी किसी ने दिखाने की कोशिश नहीं करी थी, वो यहाँ पे आ करके हर चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, क्यों हम नेचर को पूजा करते हैं, कौन सी जगह पे पार्क है। ये आमबाग पार्क है और यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं, और ये मेहरौली का एक अपना सबसे विशेष घाट इसलिए है कि यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों बहुत ही बखूबी तरीके से। क्रेडिट किसको देंगे, दिल्ली सरकार को? हम इसको बेखूबी क्रेडिट सारे आम पार्टी के लोगों को जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन किया, दिल्ली सरकार का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, क्योंकि बिना इन सब के कंट्रीब्यूशन के इतना बड़ा आयोजन बिल्कुल नहीं हो सकता। वहीं इस दौरान दिल्ली के चुनावी वर्ष होने के कारण कई जगह छठ घाट चुनावी भी होता हुआ दिखाई दिया। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में 1100 घाटों को बनाया गया था, जिन पर जमकर दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बैनर और पोस्टर लगाए गए।